नमस्ते। ट्रू एसेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक मंत्रों के, पौराणिक मंत्रों के, बीज मंत्रों के, इनके कोडेड सीक्रेट, इनके आपसी रहस्य, जन्म कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार आपस में गुथे होते हैं, इसको सरल स्वाध्याय के रूप में समझने के लिए और ग्रहों की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आज हम इस सीरीज में बात करेंगे 3, 6, 9 और 12। 3, 6, 9, 12 ये ऐसा भाव की जन्म कुंडली है, तीसरे प्रकार की, जिसमें केंद्र में 2 बुध और 2 गुरु हमेशा रहेंगे। 4 चैम्बर में जिस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ज्ञान शक्ति, धन शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति, जिस प्रकार से ये तर्क, अहंकार, बुद्धि और मन, ये 4 इस प्रकार से, ये 12 भाव जिस प्रकार से हमारे पूरे जीवन को परिलक्षित करते हैं, उसी प्रकार से ये 3, 6, 9, 12 वाली कुंडलियों के अंदर भी भाव उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम 3, 6, 9, 12 की कुंडली में, जिसमें मिथुन लग्न है, और मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में सबसे पहला स्वाध्याय ग्रह जो है, आराध्य ग्रह जो है, वो ग्रह है बुध। प्रियम गोलिका श्यामम रूपेणाम प्रतिमुदम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुध प्रणमाम्यम ओम भूर्भुवस्व ओम भूम बुधाय नमः। आत्मकारक ग्रह का सबसे पहले स्वाध्याय या ओम भूर्भुवस्व ओम भूम बुधाय नमः से चंद्रमा जिस राशि में, दूसरे नंबर का ग्रह है चंद्रमा का, अर्थात राशि का ग्रह, जिससे आपको ऊर्जा प्राप्त करें। तीसरे नंबर पर ग्रह महादशा का, जिस भी ग्रह की महादशा यथा योग्य केतु की हो, राहु की हो, शुक्र की, मंगल की हो, उस ग्रह का मंत्र जाप करें, उस ग्रह की साधना करें, उस ग्रह की आराधना करें, क्योंकि वो लगभग 20% के आसपास आपके आने वाले फलित को इफेक्ट कर रहा है। अब चौथे नंबर पर जो ग्रह आएगा 3, 6, 9, 12 में, 3, 6 अर्थात हो जाएगा शुक्र पंचमेश और नौमेश हो जाएगा शनि। 3, 6, 9, 12 में बुध, शुक्र और शनि इस कॉम्बिनेशन के, ये धन प्राप्ति का, इच्छाओं का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, बुध का, शुक्र का और शनि का। अब इसमें शनि ग्रह का जो मंत्र है वो वैदिक मंत्र का यदि श्रवण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो शनि शनि धीरे धीरे फल देगा। भाग्यश ही शनि ग्रह हो गया है तो सभी कुछ धीरे धीरे मिलने वाला है, और मिथुन लग्न में स्पीड बहुत चाहिए, सभी कुछ मुझे अभी मिल जाए। और यदि चंद्रमा कहीं बैठा है, वो किसी ऐसी राशि में बैठा है जो राशि भी जल्दबाजी वाली है, तो फिर क्या कहना। इस प्रकार से इन 5 ग्रहों का स्वाध्याय करें और 3, 6, 9, 12 अपने मिथुन लग्न के कुंडली में जीवन का आनंद लें। ग्रहों की ऊर्जा 10 मिनट के स्वाध्याय में प्राप्त करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।